हेलो गाइस, जब से आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है तब से डायनामिक आइलैंड जो है ये काफी ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे जन को ये जो चीज है ये काफी अच्छी लगती है। गाइस ये जो फीचर है काफी यूनिक है और नया है, इसलिए ये ट्रेंड में चल रहा है। गाइस यही जो फीचर है ये आपको अभी एंड्रॉइड में भी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको एंड्रॉइड के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है डायनेमिक नॉच। गाइस एप्लीकेशन को आपको स्मार्टफोन के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, इसको आपके स्मार्टफोन में कैसे ऑन करना है, इसकी क्या क्या सेटिंग है, ये सारी चीजें मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में इंटक बने रहिए और चैनल पर भी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आना है, इसके बाद आपको इसमें प्ले स्टोर में जाना है, उस पर डी नॉच करके सर्च करना है। इसके बाद गाइज ये जो एप्लीकेशन है ये आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। गाइज ये जो एप्लीकेशन का मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। गाइज ये एप्लीकेशन को आप चलाते हो इसमें बार बार एड्स आते हैं, इसको आपको स्किप करते रहना पड़ेगा। इसके बाद गाइज इसके ये एप्लीकेशन ओपन होती आप देख सकते हो, इसमें आपको नॉच स्टाइल अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको ऊपर के साइड दो डॉट देखने को मिलते हैं, इसके अंदर इसकी कुछ सेटिंग देखने को मिलती है, पर अभी आपको इसमें अंदर कुछ काम नहीं। इसके बाद आपको डिस्प्ले नॉच के ऊपर क्लिक करना है, इसको एग्री करना है। इसके बाद गाइज आपको नीचे डी नॉच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके बाद सबसे ऊपर वाला जो डी नॉच है इसको आपको ऑन करना है। गाइज इसको आपको अलाउ कर देना है, इसको अलाउ करने के बाद आपका ये जो डायनेमिक नॉच है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे शॉर्टकट का ऑप्शन है, ये भी कुछ आपके काम का नहीं है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। गाइज इसके बाद आपको आप नीचे के साइड इसके अंदर आओगे तो इसको आपको नॉच का पोजीशन देखने को मिलेगा, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों साइड कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगता है। इसके बाद गाइज इसके अंदर नॉच की आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो, आपको इसकी हाइट भी आप चेंज कर सकते हो, आपको इसको मोटा रखना है पतला रखना है, इसकी हाइट बढ़ानी है छोटी करनी, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद गाइज इसके अंदर जो फीचर आते हैं जैसे कि मैं चार्जिंग पर लगाए आप देख सकते हो, इसमें चार्जिंग का परसेंटेज आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको कोई कॉल आता है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन में सेम देखने को आईफोन की तरह देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने म्यूजिक ऑन किया है, जो जो चीज़ें आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलती है नोटिफिकेशन बार में, वही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। गाइज जो डायनेमिक आइलैंड है वही सेम आपको डायनेमिक नॉच नाम से एंड्रॉयड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपको ये डायनेमिक आइलैंड एंड्रॉइड वाला कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो का भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज आप कभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।